पहले भारत का एक ही दुश्मन था, पाकिस्तान। लेकिन अब पिछले कुछ साल से भारत का एक और दुश्मन बन गया है, चाइना। चीन ने पीठ पीछे से जो वार किया है, गलवान हिंसा को जिस तरह से चीन ने अंजाम दिया है, वो भारत कभी नहीं भुला पाएगा और इसके लिए कभी चीन को माफ भी नहीं करेगा। समय समय पर इसके लिए भारत की तरफ से चीन को काफी तीखी प्रतिक्रिया दी जाती रही है। समय समय पर चीन को दिखाया गया है, बताया गया है कि जनाब, आपके और हमारे बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। आप भले ये दिखाने की लाख कोशिश कर लें कि आप तो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन आपकी इन बातों में ना तो भारत आएगा और ना ही कोई और। क्योंकि भारत जानता है कि रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए, चीनी सैनिकों को बॉर्डर से वापस भेजने के लिए भारत ने कितने जतन किए हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा। उसी का नतीजा है कि नई दिल्ली में हुई भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। भारत का चीन के खिलाफ सख्त रुख साफ दिखा। जब भारत ने दो टूक कहा कि रिश्तों की बेहतरी चाहता है, तो चीन पहले सीमा से सैनिक मोर्चाबंदी और जमावड़ा खत्म करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को चीन के डिफेंस मिनिस्टर जनरल ली शांगफू के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की, लेकिन इस मीटिंग की शुरुआत हाथ मिलाकर नहीं बल्कि हाथ जोड़कर हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ संदेश दिया कि जब तक चीन अपने सैनिकों के जमावड़े को बॉर्डर से वापस नहीं बुलाता, तब तक चीन से न हाथ मिलेंगे और न ही दिल। ऐसा नहीं है कि भारत के रक्षा मंत्री ने बाकी सभी समकक्षों के साथ भी ऐसा बर्ताव किया हो, बल्कि बाकी सबके साथ तो रक्षा मंत्री ने काफी गर्मजोशी से हाथ मिलाया, लेकिन चीन के मंत्री ली शांगफू से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्री जब भी किसी विदेशी समकक्ष से मिलते हैं तो हाथ मिलाकर ही उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने ईरान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ गुरुवार को भी हाथ मिलाया था, जिसकी तस्वीरें भी साझा की थी, लेकिन चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये जेस्चर हासिल नहीं हो सका। ये एक झटका ही वैसे तो चीन के लिए काफी था, लेकिन दूसरा झटका भारत ने तब दिया जब चीन ने द्विपक्षीय बैठक शुरू होने से पहले ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को फिर से शुरू करने का एक नया प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन के इस प्रपोजल को भारत ने ठुकरा दिया। भारत ने चीन को समझा दिया है कि ऐसा तभी संभव होगा जब बॉर्डर के हालात शांतिपूर्ण होंगे। चीन के रक्षा मंत्री सीमा विवाद को किनारे रख दोनों के बीच नई शुरुआत की बात कह रहे थे, जबकि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि आगे बढ़ने से पहले सीमा पर हालात सामान्य होने चाहिए। रिश्ते बिगड़े हैं तो इसके लिए चीन ही जिम्मेदार है। वहीं चीनी सेना की तरफ से सीमा पर शांति का दावा किया गया है। चीनी सेना की एक ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक ली शांगफू ने कहा कि चीन और भारत मतभेदों की तुलना से कहीं अधिक हित साझा करते हैं। वर्तमान में चीन भारत सीमा पर स्थिति स्थिर है। दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से संचार बनाए रखा है। दोनों पक्षों को एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। सीमा पर शांति बनाए रखने पर काम होना चाहिए। उम्मीद है कि दोनों पक्ष सेनाओं के बीच आपसी विश्वास को लगातार बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों के विकास में उचित योगदान देने के लिए मिलकर काम करेंगे। वहीं भारत को शिकायत यह है कि सारी उम्मीदें भारत से ही क्यों। चीन को भी कभी कभी भारत की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। भारत की उम्मीद के मुताबिक भारतीय हिस्से को कब्जाने के सपने को त्याग देना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को अपना बताना बंद कर देना चाहिए। लेकिन चीन तो भारत की उम्मीदों पर खरा उतरता ही नहीं, वो तो सीधा धोखा देता है, पीठ में छुरा मारता है। तभी तो रक्षा मंत्री ने गुरुवार को अपने चीनी समकक्ष ली शांगफू से करीब 45 मिनट मुलाकात तो की, लेकिन साफ संदेश भी दे दिया कि मौजूदा सीमा समझौतों का चीन ने उल्लंघन किया है और इससे दोनों देशों के संबंध की बुनियाद को नुकसान पहुंचा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सभी मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय समझौतों के तहत निकाला जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने ली शांगफू से आगे कहा, पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले बाकी पॉइंट से सैनिकों की वापसी के बाद तनाव कम करने की दिशा में काम होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से चीन को भारत ने कड़े तेवर दिखाए, समझा दिया है कि भारत अब चीन के इरादों के आगे झुकने वाला नहीं है। अब भारत भी ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानता है। आपको बता दें, कल शनिवार को 29 अप्रैल को नई दिल्ली में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। चीनी रक्षा मंत्री भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। मीटिंग में रूस, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान और कजाकिस्तान आदि देशों के रक्षा मंत्री भी हिस्सा लेंगे। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत नहीं आए हैं, वो वर्चुअली बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल तो चीन ही है जिसे भारत को सबक सिखाना है, लाइन पर लाना है। भारत चीन के बीच में 3488 किलोमीटर लंबी LSE को लेकर विवाद है।
2020 में भारत चीन के बीच में गलवान घाटी को लेकर हुई झड़प के बाद से ये किसी भी चीनी रक्षा मंत्री की पहली भारत यात्रा है। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सेना ने भारतीय सेना के साथ धोखा किया था, नियमों को तोड़ा था। इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, चीन के भी 38 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली थी। वो दिन है और आज का दिन है, अब तक चीन और भारत के बीच में करीब 18 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा ही रही। उसके बाद भी जिस तरह से भारत और अपने संबंधों को मधुर बताने की जो चीन कोशिश करता रहा है और जिस तरह का कड़ा रुख भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के खिलाफ अपनाया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं।